अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं मेरी एक नई वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी आपने मेरी पिछली एक वीडियो देखी होगी जो मैंने आपको बताई है कि कोविड और वीज़ा पॉलिसीज़ के हवाले से जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें यही है कि अब तो खैर वैक्सीन की जो है वो जंग चल रही है कि आप ये वैक्सीन चलाएंगे तो इस कंट्री में आएंगे, इस पर ये वैक्सीन लगेंगे तो उस कंट्री में आएंगे। एनीवेज ये भी समहाउ कभी ना कभी कुछ सेटल हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर ये कि आप अपनी मर्ज़ी की वो वाली वैक्सीन लगा के उस कंट्री में जाएगा जो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जो है वो हर जगह होगी, पाकिस्तान में भी है। तो कुछ गवर्नमेंट जो है वो अपनी लगा रही है, लेकिन जो दूसरी कंपनीज की है वो भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और सर्विस प्रोवाइडर्स आपको दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही वैक्सीनेशन अब इंटरनेशनल के अलावा नेशनल भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि अभी आने वाले दिनों में आपको एयरलाइन के टिकट्स भी वैक्सीनेशन के अलावा नहीं मिलेंगे, और होटल के रिज़र्वेशन जैसे PC हो गया, वहाँ पे कोई और भी जो दीगर होटल्स वगैरह हैं उनके रिज़र्वेशन, उनकी बुकिंग्स वगैरह भी आपको अपनी वैक्सीनेशन के बगैर नहीं मिलेगी। सो रिसेंटली मैंने अभी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद कुछ होटल्स में कॉल की थी उनके रेट्स लेने के लिए, उनके रेट्स के साथ मैंने उनके कोरोना के कोविड के SOPs भी पूछे। तो उन्होंने यही बताया कि आपने कोविड के SOPs तो फॉलो करने ही करने हैं, साथ में आपकी वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो है आप एट टाइम ऑफ बुकिंग जो भी होटल की आपको दिखाएंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप गिलगित बल्तिस्तान GB के अंदर एंटर भी नहीं हो सकते विदाउट वैक्सीनेशन। सो वो जब आप चेक पोस्ट से जब एंटर होते हैं गिलगित बल्तिस्तान या एयरपोर्ट से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी है। ये मेरी बात हुई वहाँ के लोकल लोगों से कि अभी रिसेंटली मैंने जब होटल उनके रिज़र्वेशन के लिए कॉल की गिलगित बल्तिस्तान या हुंजा वगैरह में जो लोग क्योंकि आजकल ज़्यादातर घूमने जा रहे हैं, अब मुझे नहीं पता, मैं कुछ पर्सनली वहाँ गया नहीं हूँ। अगर आप में से कोई वहाँ गया है और इस तरह का कोई चीज़ नहीं है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन मैंने जो कॉल करके होटल में पूछा उन्होंने मुझे यही बताया कि GB के अंदर दाखिल होने के लिए टूरिस्ट को वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, और वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जब वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं तो आप नादरा में अप्लाई करेंगे और वो आपको ईजिली वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो ज़रूर जाएं, आप लोग भी सब टूरिज्म को फ़रोग दें, वहाँ जाएं, वीडियोस बनाएं, तस्वीरें बनाएं, अपने लोगों से शेयर करें, ख़ास अपने लोगों से शेयर करें जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं, ताकि उन लोगों को पता चले कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। लेकिन वहाँ जाके अपनी जो कोविड के जो कोरोना के SOPs हैं उनको लाजमी फॉलो करें, यानी मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो सारी चीज़ें आपने इसको रेगुलरली करनी है, क्योंकि जो केसेस हैं इस वक्त कोरोना में पाकिस्तान में और दुनिया भर में वो अप एंड डाउन चल रहे हैं, वो कभी ज़्यादा कभी कम, वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन और कंट्रीज़ और जितनी भी कंजेशन, जितनी भी ज़्यादा आप लोग रश करेंगे कहीं ना कहीं वहाँ देखें केस बढ़ने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे। तो कोशिश करें कि हमेशा फासला रखें और ज़्यादा रश वाले एरियाज़ में ना खुद जाएँ ना किसी जगह पर रश होने दें। ये मैंने आपको एक अपडेट देनी थी कि नॉर्थ में अभी जो लोग घूमने जा रहे हैं उनको वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है। कराची के अंदर वैक्सीनेशन इस वक्त बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर हैं, अगर आप पाकिस्तान की कोरोना की जो हमारी जो वेबसाइट है नेशनल वेबसाइट जो बनी हुई उसमें जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे एक्सपो सेंटर है, लियाकत है, डॉ हॉस्पिटल है, ये तीन मुझे पता है। इसके अलावा भी और वैक्सीनेशन जैसे लकी वन मॉल के अंदर बेसमेंट में उनके वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, नॉर्थ ज़रूर घूमने जाएँ, पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत है। मैं भी दिसंबर में होके आया था तो उस वक्त कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब मैंने सुना कि रिक्वायरमेंट है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। वैक्सीनेशन लगवाएं, उसका सर्टिफिकेट ज़रूर लीजिएगा नादरा से, 100 रुपये मेरे ख्याल में लेते हैं, वो ऑनलाइन भी प्रिंट हो सकता है और आपके घर पर भी मेल कर देंगे वो। ये आप चीज़ लाजमी करें, क्योंकि अब जैसे पोलियो का एक पेपर बनता था ना येलो कलर का, आगे पासपोर्ट पर लगता था, अब इसी तरीके से वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट अब आपको हर जगह चाहिए होगा। इसको अभी से तैयार कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में जो भी ट्रैवल करें उसमें कोई परेशानी ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों से भी शेयर करें, और इस तरह की ये चीज़ जो फॉलो नहीं हो रही नॉर्थ पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में जो टूरिस्ट गए हैं, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मेरी बात की सलाह भी हो सके, दूसरे लोगों को भी राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।